आज़बल वजीम बसम नम्नसा रसोलकरीम अमाबाद फ़ाउज़बिल्म़ुआवीम बसम्स वरम वर्क़ नाज़रिन मोहतरम आज की इस वीडियो में हमारा मौजू है आयतल कुर्सी की फ़ज़ीलत इसका उर्दू तर्जुमा और इसके पढ़ने के फ़ायदे अल्ला कुर्सी में फ़रमाते हैंज़बिल्मैतवान वजीम बसमीम इल्लाहु वो अल्लाह जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा कोई इल्लाहु अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं कोई इबादत के लायक नहीं अलकयम हमेशा से कायम है ज़िंदा है लाता खुजुसिन तू वला नौम ना उसे नींद आती और ना ही कभी उसे ओंग आई है ओंग कहते हैं कि कभी नींद का झटका जैसे कभी नींद का गलबा हो तो आंख बंद हो जाती है अचानक से तो उसे ओंग कहते हैं ना ही उसे कभी नींद आई और ना ही ओंग आई लात खुज तुम वाला नउम लहू माफ़ी समावाती वाफिल मा और जो कुछ भी ज़मीन और आसमानों में है जो कुछ भी आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह का ही है ये सब सारे चीज़ जितने भी हमें नज़र आ रहे और जो नज़र नहीं आ रहे ये सारे अल्लाह ताला ने बनाया अल्लाह ताला ने पैदा किया है ये सारे चीज़ अल्लाह ताला का है लहू माफी समावाती व माफी लर्स इसमें जो कुछ भी है सब अल्लाह का है मंजल्ला रि अशफ़ इल्ला बिज़नी यहाँ पर अल्लाह ताला ताला ने फ़रमाया है कि कौन है वो जो अल्लाह के इजाज़त के बग़ैर किसी की सिफ़ारिश करे मंजल्लाशफा इल्ला अज़नी अल्लाह के इजाज़त के बग़ैर कौन है जो किसी के लिए सिफ़ारिश करे मगर अल्लाह जिसके लिए चाहे इल्ला बिज़नी याबू माबैना आदही वमा खल्फहुम और वो जानता है जो हालात गुजर रहे और जो इसके बाद हालात आएंगे अल्लाह ताला को सब इल्म है। याउैना दी हम व मा, मा खल्फ़ हम वला यूह तो नबीश अमिन ही और लोग मालूम में किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते लोग अगर चाहे कि हम गैब की चीज़ मालूम कर ले या कुछ भी तो वला योहत नबी शमिन ही लोग किसी चीज़ की मालूम का अहाता नहीं कर सकते इल्ला शाह मगर अल्लाह जिसे चाहे वसी आ कुर्सी वल अर्द और अल्लाह ताला ने कुर्सी को फैला दी ज़मीन और आसमान के ऊपर बुलंद फरमा दिया वसी आ कुर्सी वसी अल्लाह ताला ने बुलंद फरमा दिया कुर्सी को ज़मीन और आसमान से वला या उदह और इनकी हिफाजत अल्लाह ताला को थकाती नहीं है वाला याद हुफ हुमा वह वलीम और बेशक वो अज़मत वाला और बड़े शान वाला है ये थी मुख्तसर सी उर्दू तर्जुमा आयतलकुरसी की अब चलते हैं इसके पढ़ने के फ़ायदे कहा जाता है कि अगर घर से निकलते वक्त इसे पढ़ लिया जाए तो सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसकी हिफाजत के लिए मामूर हो जाते हैं घर से निकलते वक्त अगर एक मरतबा भी कोई आयतल कुर्सी पढ़ ले अगर एक मरतबा भी कोई आयतल कुर्सी पढ़ ले तो सत्तर हज़ार फरिश्ते उसकी हिफाजत में मामूर हो जाते हैं इसके बाद कहा जाता है कि घर में दाखिल होते वक्त अगर कोई पढ़ ले आयतल कुर्सी तो उसके रोज़ी में बरकत होती है फ़क्र फाका से वो बचा रहता है इसके अलावा इसकी फजीलत यह है कि अगर कोई वजू बनाने के बाद आयतल कुर्सी पढ़ ले सत्तर दर्जे उसके बुलंद कर दिए जाते और रात में अगर सोने से पहले अगर कोई आयतल कुर्सी पढ़ ले तो कहा जाता है कि एक फ़रिश्ता अल्लाह ताला लगा देता है कि सारी रात उस पढ़ने वाले के लिए हिफाज़त करता है उस पढ़ने वाले का हिफाजत करता है सारी रात इसके बाद जो सही हदीस से भी साबित है जिसका मफहूम है कि अगर कोई, अगर कोई हर फर्ज नमाज के बाद अगर कोई हर फर्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको ये जजा देंगे कि उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ़ इतना फ़ासला है कि वो मौत का फ़ासला है बस कि यहाँ पर उसकी मौत आई और वो जन्नत में चला गया हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो आयतल कुर्सी पढ़ता है ये बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है तो आप भी इसे पढ़े इन बरकत आपको नज़र आएगी और अल्लाह ताला हमें सही समझने की और इस पर अमल करने की तोहफ़ी क़ा फ़रमाए दुआ है कि जो कुछ भी बयान में मुझसे भूल चुक हुई है तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और आपको सही समझने की तोफ़ी क़ा फ़रमाए इस वीडियो को लाइक कर दे और जो कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ला